डरे उस वक्त से, डरे उस वक्त से ये 11 करोड़ आवाम, अगर 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 ये 11 करोड़ आवाम को कोई लीडर मिल जाए तो दुनिया के सारे इंकलाब लोग भूल जाएंगे, पाकिस्तान का गरीबों का इंकलाब सबको याद रहेगा। अगर जंग है तो इसका फैसला मैदान में होगा। मत करो, सिर्फ ताकत तुम्हारे हाथ में नहीं, ताकत ताकत असल ताकत इस मुल्क के वकला के हाथ में है। चाहिए तुमको शर्म आनी चाहिए, अगर कोई मर्द का बच्चा है, अगर किसी ने अपनी मां का दूध पिया है, शर्म आनी चाहिए इस मुल्क में 18 करोड़ से ज्यादा लोग, 18 करोड़ से ज्यादा लोग गुर्बत नहीं, मैं गुर्बत नहीं कहता, गुर्बत तो फिर भी एक रिस्पेक्टेबल लफ्ज है, अफवाश में जिंदगी गुजार रहे 11 करोड़ से ज्यादा। जब मेरा नाम पुकारा गया और जब मैं रोस्ट्रम पर आया, चंद फिक्रे मैंने कहे थे और गालबन इस हाल में मेरी सबसे पहली कोई अगर अधूरी तकरीर है वो वही तकरीर। जब मैंने चंद फिक्रे कहे थे तो वकला साथी यहां से आए, उन्होंने कहा कुरसाब आप यहां पे तकरीर कर रहे हैं, वॉम्प तो शदीद किस्म की आंसू गैस टियर गैस की शेलिंग है और बख्तर बंद गाड़ी हमारे इस हाई कोर्ट की इमारत में दाखिल हो। तो मैंने एक फिक्रा कहा था, वो फिक्रा ये था अगर जंग है तो इसका फैसला मैदान में हो। हम सारे साथी यहां से निकले, हॉल खाली किया, सामने बख्तर बंद गाड़ी। मैंने अपनी जिंदगी में किसी भी कोर्ट प्रीमिसेस में पहली दफा देखी और वो इसी लाहौर हाई कोर्ट के प्रीमिसेस। और वो बख्तर बंद गाड़ी जो बीसियों और हंड्रेड्स के हवाले से, सैकड़ों के हवाले से मशीन गन से गोलियां चला सकती है, वो बख्तर बंद गाड़ी यहां और शदीद किस्म की जो है टियर गैस शेलिंग। मुझे फख्र है, बिल्कुल फख्र है, और वो लोग वो वकील यहां जिंदा होंगे उस बख्तर बंद गाड़ी का, उस टियर गैस शदीद टियर गैस शेलिंग का। हम जो वकला साथी मुकाबला कर रहे थे उस वक्त, उन वकीलों में सबसे आगे पहली सफ में आगे आपका ये साथी अली अहमद कुर था। और खुदा गवाह है किस हाथ से, सिर्फ मैं नहीं जितने हम वकील थे उस लोगों की जो कि उस
टियर गैस शेलिंग कर रहे थे हम वकीलों ने, जिसमें मेरा ये हाथ भी शामिल है। खुदा की कसम, वो तपिश में तपती हुई टियर गैस शेल, उसको हम उठाकर फिर वापस पहनते थे। हमने मुकाबला किया और वही कोई बख्तर बख्तर बंद गाड़ी हमने मजबूर किया वकीलों ने, वो बख्तर बंद गाड़ी। ये तो मैं नहीं कहता हूं, मगर अंदाज बिल्कुल यही था, जैसे लोग मैदान जंग से भागते हैं वो बख्तर बंद गाड़ी ऐसे ही बात करते। हम वकील हैं, हम जोर या किसी भी किस्म की जबरदस्ती नहीं मानते, बिल्कुल नहीं मानते। इस्लामाबाद में जब शाम के टाइम अजान की सूरत में खुदावंदे ताला अल्लाह अकबर का नाम लेकर अजान हो रही थी, इस्लामाबाद में हमारे साथियों और अवाम में से 17 आदमियों को शहीद किया गया और सबसे पहला बुकला 2007 की बुकला तहरीक का शहीद हमारे कोयटे का जमान मरी था। सबसे पहला जो हम बुकला के साथियों के डिमॉन्स्ट्रेशन में एहतजाज में वो जो है टियर गैस शेलिंग की वजह से जो है उसकी शहादत हुई। तो ये आयन जिसको इस वक्त पस पर्दा बैठे हुए ताकते मरोड़ मरोड़ कर जो है इसको फेंक पाड़ कर फेंकना चाहते हैं। अगर ये पैकेज है मुझे अफसोस होता है उन अराकीन असेंबली पे, उन अराकीन सेनेट पे, एक आदमी भी उसमें ऐसा नहीं था। मैं उस उन अराकीन की बात करता हूं जो दस्तखत जो अंगूठा लगाने के लिए तैयार बैठे थे कि कब बिल आएगा और कब वो अंगूठा लगाएंगे। एक शख्स में इतनी गैरत नहीं थी, इतनी जुर्रत नहीं थी, इतना एहसास नहीं था कि कम से कम पूछ तो लेते कि हमको 2 दिन से तुम लोगों ने हमको यहां पे बिठाया है 2 दिन से और अभी रात के 12 बजने वाले हैं, हमें बताया तो जाए वो कौन सा बिल है, वो कौन सा अमेंडमेंट है। इंसानी सोसाइटी में आदमी के ऊपर अगर करप्शन का लेबल लग जाए तो थोड़े अरसे के बाद अगर वो तौबा तायब कर ले तो करप्शन का वो जो बदनुमा दाग है वो भी धुल जाता है। किसी शख्स ने किसी मैदान जंग में बुजदली दिखाई हो और गांव में और शहर में और मुल्क में लोग उसको बुजदिल कहकर पुकारे, उसको भी मौका होता है। वो फिर आने वाले दिनों में बहादुरी का मुजाहरा करके पहली वाली जो बुजदली है उसको खत्म कर सकते हैं। और ऐसी बेशुमार चीजें हैं, छोटे बड़े इल्जाम जिसमें तौबा करने से और वक्त आने से वो उस बदनुमा दाग को खत्म कर सकते हैं। मगर ये दाग, इस किस्म का दाग माशरे में किसी भी शख्स पर, किसी भी शख्स पर अगर ये दबा लग जाए, ये तासर पैदा हो कि ये ना हेल और ना लैक है, वो सारी जिंदगी कैमत की तक वो दबा उस शख्स का पीछा करती रहती। गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर होता है, उसके साथ उसकी कैबिनेट होती है और उस कैबिनेट का एक एक वजीर बहुत बड़ी हैसियत रखता है। और हमने ये भी देखा
बिल्कुल अपने सामने देखा कि लॉ मिनिस्टर ये कह रहा है कि मुझे अभी अभी अमेंडमेंट का ड्राफ्ट पैकेज मिला है। जो लोग दूर बैठ के ये अमेंडमेंट का पैकेज बनाकर असेंबली में जिम्मेदार लोगों को देते हैं, उनको मैं कहता हूं जिधर तक हाथ तुमने बढ़ाया था अपना हाथ वापस ले जाओ। ये हाथ अगर आगे बढ़ाया गया, ये हाथ जो पीछे बैठ के सारे इस मुल्क में तमाम हालात और वाकत का उतार चढ़ाव करने की ताकत रखता है, जो बाहर बैठ के अमेंडमेंट पैकेज को असेंबली में मुहैया उसको भिजवा कर के हाथ में देते हैं, मत करो। सिर्फ ताकत तुम्हारे हाथ में नहीं, ताकत ताकत असल ताकत इस मुल्क के बुकला के हाथ में। चाहिए तुमको शर्म आनी चाहिए अगर कोई मर्द का बच्चा है, अगर किसी ने अपनी मां का दूध पिया है, शर्म आनी चाहिए इस मुल्क में। इस मुल्क में 18 करोड़ से ज्यादा लोग, 18 करोड़ से ज्यादा लोग गुर्बत नहीं, मैं गुर्बत नहीं कहता, गुर्बत तो फिर भी एक रिस्पेक्टेबल लफ्ज है, अफलास में जिंदगी गुजारे 11 करोड़ से ज्यादा। ये दुनिया की इंटरनेशनल सर्वे रिपोर्ट है। वहां जब लोग भूख से और अफलास से जब लोग मरते हैं, उस वक्त तुम्हारी गैरत नहीं जाग उठती, उस वक्त तुम्हें पता नहीं चलता। मैं सारी जिंदगी मैं उस पंजाब की खातून को नहीं बुला सकता, खुदा की कसम नहीं बुला सकता और सारी जिंदगी नहीं बुलाऊंगा, जिसने महज गुर्बत की वजह से अपने छोटे दो बच्चों को अपने बाजुओं में लेके नहर में कूद कर जो अपनी जान दी। कहां गई वो कूदते हैं, और उसी किस्म की गरीब लोग इस मुल्क में 11 करोड़ की तादाद। रात की तारीकी जब सूरज डूबता है, जब रात नमूदार होती है, जब रात के नमूदार होने से तारीकी पैदती है, तो वो खुदा की रात की तारीकी गरीब और अफवाह शुदा घर में बाद में पहुंचती है। पहले गुर्बत का अंधेरा उस घर में पहले से मौजूद होता है। शर्म आनी चाहिए था। इसी पंजाब में, इसी पंजाब में एक शख्स ने यही गुर्बत और अफलास के झगड़ों की वजह से अपने 4 साल के बच्चे से लेके 8 साल के बच्चे तक और 7 बीवी को भी गुर्बत और अफलास की वजह से चाकू से खंजर से काट के जबा किया। किसी का जमीन नहीं जागा, किसी के दिल में कोई दुख नहीं हुआ, किसी को यह एहसास नहीं हुआ कि ये लोग भी इस मुल्क में जो 11 करोड़ लोग हैं उनका सोचो। असल डरो उस वक्त से, डरो उस वक्त से ये 11 करोड़ आवाम, अगर ये 11 करोड़ आवाम को कोई लीडर मिल जाए तो दुनिया के सारे इंकलाब लोग भूल जाएंगे, पाकिस्तान का गरीबों का इंकलाब सबको याद रहेगा।